नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। देखो भाई, लास्ट फेज जो था, यानी पांचवा फेज जो था हुबली जोन, उसका कह सकते हो डेट आ चुकी है और आपको पता है कि हुबली जोन सबसे लास्ट है। तो अल्टीमेट सबको पता चल चुका है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो मैं भी आपको साइंस के वो 10 टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिससे अगर आपने पढ़ लिया तो इन्हीं 10 टॉपिक के आपको कम से कम 20 प्लस नंबर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, मतलब सिर्फ आप 10 टॉपिक ही साइंस के पढ़ लीजिए। क्योंकि इस बार जो साइंस आ रही है ना, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है। उन्होंने 4-5 चैप्टर ऐसे उठा लिए जिससे 15-20 सवाल दे दे रहे हैं, है ना। 4-5 और मिला लीजिए तो 20 प्लस नंबर आपके कन्फर्म आ जाएंगे अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया। कौन कौन से वो टॉपिक मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रकाश, लाइट, ऑप्टिक्स। आपको पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे 3 से 4 क्वेश्चन, ना एक कम ना एक ज्यादा। ओके, फिर इसके बाद आपको मैं बता दूं, अगला जो टॉपिक है तुम्हारा वो है वैद्युत। न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं इससे, बढ़िया क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन, आप ये इंटरमीडिएट, इससे भी 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन हाँ किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जा रहा है। मैग्नेटिज्म, इससे आपका 2 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, समझिए ध्यान से। उसके अलावा आवर्त सारणी, इससे भी आपको कम से कम 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, कम से कम 2 प्रश्न। अम्ल और क्षार, आप इससे 1 प्रश्न मान सकते हैं। अगर प्लांट टिश्यू की बात करें तो आप इससे भी 1 प्रश्न मान सकते हैं। धातु अधातु, इससे भी आपका 8 आधे प्रश्न आ रहे हैं, है ना। और मेंडल के नियम, आप इससे कह सकते हो कि हर शिफ्ट में लगभग 2 प्रश्न आ रहे हैं। ओके, तो 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10 और इंट्रो मिला लीजिए तो लगभग 20 प्लस का स्कोर आप सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक को पढ़कर गेन कर सकते हो। लेकिन ये टॉपिक जो 10 लिखे हैं ना, ये आप ऐसा नहीं कि आप तुरंत पढ़ा और तुरंत खेला खत्म, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आप बता दूं, जैसे कि ये प्रकाश वाला जो चैप्टर है ना, ये प्रकाश वाला चैप्टर ही अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर आप शुरू से नहीं पढ़े तो अचानक से पढ़ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने के बाद अगर 20 प्लस नंबर मिलते हैं, क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मुद्दा है ये कि आप कितना कर पाते हो। तो आपको करने के लिए ये सारे के सारे चैप्टर डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, डीपली पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि लगभग इन 10 दिनों में मैं आपको 8-8 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी सारा कुछ सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने लाइट की थ्योरी बहुत बार सॉल्व कराई, ये मैं नहीं कराऊंगा, है ना। वैद्युत की थ्योरी मैं सॉल्व करा देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया की थ्योरी मैंने सॉल्व करा दी है, ये मैं नहीं कराऊंगा। प्लांट जनन, है ना, मतलब ये आप लोग पढ़ सकते हो, छोटा सा टॉपिक है, ये आप कर लेना, इसे नहीं सॉल्व कराएंगे। चुंबकत्व तो मैंने आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छा करा दिया। तो थ्योरी के मामले में मैं आपको 2-3 थ्योरी करा देता हूँ, जैसे कि आवर्त सारणी करा देता हूँ, अम्ल और क्षार करा देता हूँ, प्लांट टिश्यू के लिए थ्योरी करा देता हूँ, धातु और अधातु, मेंडल के नियम। तो जिनमें मैंने टिक लगा दिया वो सारी मैंने थ्योरी करा देता हूँ, और बाकी जिनमें टिक नहीं है उन सारे क्वेश्चन के, उन सारे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो हर एक टॉपिक के क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व कराने कराने हैं, लेकिन जिसमें मैंने टिक लगाया उसकी मैं कंप्लीट थ्योरी सॉल्व करा देता हूँ। तो एक काम करते हैं कि कल का जो टॉपिक है उसमें मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ, आवर्त सारणी। पिछला 1-1.5 महीना हो गया मैंने नहीं पढ़ाया, है ना। एक बार मैं आवर्त सारणी को पूरा आपको डिटेल में बता सकूँ ताकि आप लोग के क्वेश्चन एग्जाम में फंस सके। तो ये 10 टॉपिक आप पढ़ लीजिए। आने वाली जितनी भी शिफ्ट होगी, जो भी फेज होगा, चाहे वो हुबली जोन हो या बचे हुए 4th फेज में जिनका एग्जाम बचा है, इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको जरूर पढ़ लीजिए ना। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो नीचे एक बार लाइक जरूर कर देना कि आपको इनमें से कौन सा टॉपिक, कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा टॉपिक आप लोग का कमजोर है, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेके आ सकूँ, ठीक है। चलिए, जय हिंद।